चैप्टर टू हम लोग पढ़े थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और इसके अंदर हमने डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स को देखा था अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर, कि वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. उन मॉलिक्यूल्स में से हमने वाटर को और कार्बोहाइड्रेट्स को ऑलरेडी स्टडी कर लिया है अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर. आज हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लिपिड्स. जिस तरह से हमने बाकी मॉलिक्यूल्स को देखा था, उसी तरह से लिपिड्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि लिपिड जो है वो मैमेलियन सेल में, मैमल का जो एक सेल है उसके अंदर 3% जो है वो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. अब आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि लिपिड्स बेसिकली होते क्या है और लिपिड्स को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. तो एक रोड मैप बना लेते हैं, हमने बेसिकली स्टडी क्या करना है. हमने सबसे पहले तो देखना है कि लिपिड्स क्या चीजें होती हैं, किन चीजों को हम लिपिड्स कहते हैं. उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे, और लिपिड्स क्योंकि स्ट्रक्चर जो लिपिड्स के जो कंपाउंड्स हैं बेसिकली वो फैटी एसिड से बने होते हैं, तो हम थोड़ा सा फैटी एसिड को डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को कि वो किस तरह का होता है, फैटी एसिड क्या चीजें होती हैं. और उस चीज के बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हम लिपिड्स को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स की कुछ एग्जाम्पल्स को हम स्टडी कर लेंगे. तो ये ओवरऑल हमारा लिपिड का टॉपिक है. सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने बेसिक टॉपिक के ऊपर कि लिपिड्स बेसिकली हैं क्या. लिपिड्स का जो वर्ड है लिपिड, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है फैट. लिपिड जो है वो लाइपोस वर्ड से डिराइव हुआ है. लाइपोस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फैट. तो लिपिड हम किसे कहते हैं, लिपिड हम कहते हैं दे आर द डाइवर्स ग्रुप. एक बहुत बड़ा ग्रुप है हमारे पास कंपाउंड्स का, जिसके अंदर हमारे पास फैट्स, ऑयल्स और इसी तरह के रिलेटेड कंपाउंड्स आ जाते हैं. फैट्स और ऑयल्स से मुराद क्या है, फैट्स और ऑयल्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि वाटर के अंदर सोल्युबल नहीं है. दे आर नॉट सोल्युबल इन वाटर, लेकिन वाटर के अंदर सोल्युबल नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्युबल हैं. तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको देखते जाते हैं कि इनके अंदर होगा क्या. सबसे पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि लिपिड्स की बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि जिन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि लिपिड्स हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स, सबसे पहले जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, लिपिड्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर के अंदर सोल्युबल नहीं है. तो ये हमारे पास पहला कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कि दे आर इनसोल्युबल इन वाटर. पानी के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होते, ये पानी के अंदर इनसोल्युबल हैं. अब पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते तो फिर किसके अंदर होते हैं, दे आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास कौन से हो जाते हैं, हमने आपको कुछ पिछले लेक्चर्स के अंदर भी कुछ एग्जांपल्स बताई थी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की. तो ये जो लिपिड्स हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं बेंजीन है, बेंजीन या पे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म है, या फिर अल्कोहल्स होते हैं डिफरेंट, ईथर्स वगैरह. तो इस तरह के कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं ये लिपिड्स उनके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, उनके अंदर सोल्युबल हैं, जबकि वाटर के अंदर सोल्युबल नहीं है. सेकंड जो थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी बेसिकली है वो ये है, लिपिड जो हैं इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लिपिड बनते किस तरह से हैं, वो बनते हैं फैटी एसिड से, ग्लिसरॉल से
और स्टेरॉल्स। तो ये तीन चीजें हैं जिनसे मिलके लिपिड्स बनते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लिपिड्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या क्या है, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल्स हैं और स्टेरॉल्स हैं। इन तीन चीजों से लिपिड का स्ट्रक्चर बनता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो कि लिपिड्स का है वो ये है कि लिपिड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड अस एनर्जी। और वो जो एनर्जी है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि दिस एनर्जी इज डबल द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डबल द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट। जितनी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, लिपिड्स हमें उससे डबल एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो वो जितनी एनर्जी देगा, लिपिड्स उसके 1/2 ग्राम ही एनर्जी दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एक्स कैलोरीज एनर्जी दे रहा है, तो 1/2 ग्राम लिपिड उतनी ही एनर्जी हमें प्रोवाइड कर देगा, यानी हमें कार्बोहाइड्रेट डबल क्वांटिटी मिले तब जाके हमें उतनी ही एनर्जी मिलती है जितनी लिपिड हमें देता है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, लिपिड्स हमें ये एनर्जी कहाँ से देते हैं? लिपिड के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, लिपिड के अंदर बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा था कि इनके अंदर एल्डिहाइड्स की वजह से, इनके अंदर एल्डिहाइड्स की प्रेजेंस की वजह से होता क्या है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड होती है, और जब ये बॉन्ड टूटती है तो हमारे पास एनर्जी आती है। जबकि लिपिड्स के केस में होता क्या है कि लिपिड्स के केस में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हमारे पास एनर्जी आती है, और ये बॉन्ड क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग है तो इसके टूटने की वजह से हमें एनर्जी भी ज्यादा मिलती है। तो ये एक वजह है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू लिपिड्स। इसके अलावा लिपिड्स के अगर हम यूजेस की बात करें तो हम कहेंगे कि लिपिड जो है वो बेसिकली दे आर द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं या हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो जो उनकी सेल मेम्ब्रेन है वो एक स्पेशल सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। ये जो मेम्ब्रेन है इनको हम कहते हैं कि ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब है कि ये कुछ सब्सटेंसेस को तो अपने अंदर से गुजरने देती है, पास करने देती है, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस को रोक के रखती है, उनको अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। तो वो क्या चीज है जो कि इसको ऐसा बना देती है, वो प्रेजेंस है हमारे पास लिपिड्स की और सेल मेम्ब्रेन के बाकी कुछ सब्सटेंसेस की। तो यही वजह है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और लिपिड्स करते क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो वाटर है वो उसको उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होते और एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं सेल को, ताकि सेल के अंदर के कंपोनेंट्स जो हैं वो बाहर ना जा सकें और बाहर के अनवांटेड कंपोनेंट्स जो हैं, जो जरूरत के नहीं है, वो सेल के अंदर दाखिल ना हो सके। तो ये हमने पढ़ लिया कि लिपिड जो है वो एक कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, जो कि उसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लिपिड के यूजेस में हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर से लिपिड जो है वो, लिपिड्स क्योंकि हमने कहा कि वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते तो दे आर इंसुलेटर्स, और यही वजह है कि लिपिड जो है वो हमें एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेटर्स अगेंस्ट वॉट, अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, यानी कि अगर हम अपने बॉडी की बात करते हैं तो हमारे जिस्म में जो चर्बी है या फिर हम कहते हैं फैट्स जो हमारे बॉडी के ऊपर होते हैं वो हेल्प करते हैं कि एटमॉस्फेयर में अगर बहुत ज्यादा ठंडा मौसम है या बहुत ज्यादा गर्म मौसम है तो बाहर का टेम्परेचर हमारे अंदर की बॉडी को अफेक्ट ना करे, यानी कि एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं लिपिड्स, और ये हमारे फायदे के लिए होते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देख लें, जैसे कि अभी हमने ये दो चीजें डिस्कस की कि सेल मेम्ब्रेन को हमने देखा या इंसुलेशन को देखा, तो इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें, एग्जांपल्स में लेट सपोज हम देख लेते हैं वैक्सीज को। वैक्स जो है, वैक्सीज ये
प्रेजेंट होते हैं एक्सोस्केलेटन के ऊपर, यानी कि जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके जो एक्सोस्केलेटन, जो उनके बाहर का स्केलेटन है, वो वैक्सिस से मिलके बना होता है, एक्सो स्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। और वैक्सिस करते क्या है, ये इनको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, और इन रिजल्ट फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि एटमॉस्फेयर के जो हीट और कोल्ड, बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर हो, तो इंसेक्ट बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसके अलावा एक और एग्जांपल जो हम देखते हैं वो हम कहते हैं क्यूटिन की। क्यूटिन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि पौधों के ऊपर, पौधों के डिफरेंट पार्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेम है या लीव्स हैं, तो इनके ऊपर प्रेजेंट होता है। क्यूटिन आपने अक्सर देखा भी होगा, लीफ के जो अपर सरफेस होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी लीफ है और उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वहां पे आपको कुछ शाइनी सरफेस दिखाई देती है, और वो शाइनी सरफेस बेसिकली होती क्या है, वो प्रेजेंस होती है क्यूटिन की हमारी अपने लीफ के ऊपर। और क्यूटिन का क्या फायदा होता है, क्यूटिन का ये फायदा होता है कि ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्लांट के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसपायरेट करने के लिए, ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए हेल्प प्रोवाइड करती है क्यूटिन। और इससे होता यह है कि प्लांट के अंदर का जो वाटर है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता। इसके अलावा प्लांट को इससे प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो ये कुछ यूजेस थे जो कि हमने पढ़ लिए लिपिड्स के, और उससे पहले हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि लिपिड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ स्ट्रक्चर के ऊपर। हमने कहा था कि जो लिपिड्स हैं वो बेसिकली स्ट्रक्चर, हमने कहा कि था कि लिपिड जो है वो फैटी एसिड से मिलके बने हुए हैं। फैटी एसिड जो है वो लिपिड का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, और लिपिड जो है वो इनसे मिलके बने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। आपको थोड़ा सा अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना होगा, जो कि आप ऑलरेडी अपनी 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। मजीद भी आप अपने सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि हमारे ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी क्या कंपोजिशन है, उसके अंदर आप मजीद डिटेल में भी देख लेंगे। यहाँ पे हम आपको ओवरव्यू देंगे कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, वो किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। जिस तरह से हमने अपने पिछले टॉपिक के अंदर कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, और हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को देखा था, बिल्कुल वैसे ही हम फैटी एसिड्स को देखेंगे। फैटी एसिड के जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि फैटी एसिड्स के अंदर हमारे पास एक कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन की, और फिर एक साइड पे हमारे पास OH ग्रुप है, और इसके एक साइड पे हमारे पास कोई भी चेन हो सकती है अल्काइल ग्रुप की। ये अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, R जो है हमारे पास ये CH3 भी हो सकता है, इसके अलावा हम कह सकते हैं RCH2CH3, इसी तरह हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप की कोई भी चेन जो है वो इस R की जगह हो सकती है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर हमारे पास फैटी एसिड का, जिसके अंदर हमने कहा कि कार्बन है, डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ हमारे पास ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन, और एक साइड पे हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप या कोई भी अल्काइल चेन प्रेजेंट है। एग्जाम्पल में जब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, आपने वैसे भी नाम सुना होगा एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में होता क्या है, एसिटिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर होता यह है कि एक कार्बन है, डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन की, और एक साइड पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप, जैसे कि हमने आपको बताया इस तरह से है, जबकि इसके साथ एक और कार्बन अटैच है, और इसके तीनों साइड पे हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हम इस तरह से लिखते हैं CH3COOH। तो ये जो COOH है, ये हमें ये बताता है कि ये कोई ना कोई फैटी एसिड है जिसकी हम बात कर रहे हैं।
एसिटिक एसिड जो है वो हम अपने नॉर्मल डेली रूटीन में अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं. एसिटिक एसिड जो है वो बेसिकली इसको अगर हम डाइल्यूट कर दें तो ये विनेगर होता है जो कि हम अपने डिफरेंट खानों के अंदर डालते हैं. हम अचार वगैरह जो पिकल्स होते हैं उसके अंदर यूज करते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल है कि हम कहाँ कहाँ पे फैटी एसिड्स को यूज कर रहे हैं. इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं फैटी एसिड्स की, कि वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं फैटी एसिड के, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स के अंदर बेसिकली हमारे फैटी एसिड की जब हम प्रॉपर्टीज को पढ़े हैं, फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी तो हम ये देखते हैं कि फैटी एसिड के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं. और ये जो इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ कार्बन, और ये जो कार्बन एटम्स हैं इवन नंबर, इनका बेसिकली वो 20 से लेके 30 तक कार्बन एटम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेन्स. तो लंबी लंबी चेन होती है हमारे पास कार्बन की. इसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होता है और एक साइड पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम कह रहे हैं सी डबल बॉन्ड सी डबल ओ एच को. ये हमारे पास फैटी एसिड की एक पहली प्रॉपर्टी है कि फैटी एसिड के अंदर हमारे पास 2 से लेके 30 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने आपको ऊपर दिखाया एसिटिक एसिड को, और एसिटिक एसिड क्या है, ये जो है वो 2 कार्बन एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है और इसका फॉर्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन एक और H सी डबल ओ एच. सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं, हम कहते हैं के फैटी एसिड्स के अंदर या तो कोई डबल बॉन्ड नहीं हो सकती, नो डबल बॉन्ड, या फिर हम कहते हैं कि फैटी एसिड्स के अंदर ऐसे भी फैटी एसिड्स हैं जिनमें 6 अप टू 6 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकती हैं. अब वो कौन से ऐसे फैटी एसिड हैं जिनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जिन ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो उनको हम कहते हैं दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड. सैचुरेटेड फैटी एसिड, और वो फैटी एसिड जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है उनको हम कहते हैं दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सैचुरेटेड फैटी एसिड बेसिकली वो फैटी एसिड हैं जिनके अंदर हमने आपको बताया कि कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगी. जैसे कि हमने एसिटिक एसिड को डिस्कस किया, एसिटिक एसिड एग्जांपल है हमारे पास एक सैचुरेटेड फैटी एसिड की. इसका मतलब ये है कि इसको हम मजीद सैचुरेट नहीं कर सकते, इसके अंदर मजीद हम कोई और बॉन्ड किसी भी चीज की नहीं बना सकते बिकॉज ये ऑलरेडी सैचुरेटेड फॉर्म में है. जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड हैं जिनको मजीद हम सैचुरेट कर सकते हैं. इसका मतलब है कि मजीद हम हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या फिर कोई और कंपाउंड, कोई और एटम जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना सकता है और ये जो डबल बॉन्ड है ये खत्म हो सकती है. अगर हम इसकी एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल में जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सॉलिड एसिड हैं, सॉलिड फॉर्म में आते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम घी को देख लेते हैं या फिर हम एनिमल फैट को देख लेते हैं. एनिमल फैट जो है वो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है और हम इसको मजीद सैचुरेट नहीं कर सकते. जबकि अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आते हैं. और इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ऑयल्स जितने भी हैं हमारे पास, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स आ जाते हैं या डिफरेंट और तरह के ऑयल्स हैं जो कि हमारे पास प्लांट से आते हैं, वो सब के सब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं. हम उनको मजीद सैचुरेट कर सकते हैं. प्लांट्स और एनिमल की जहां हमने बात की तो वहां पे हम आपको इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता देते हैं लिपिड्स की. जो नेक्स्ट फैटी एसिड की बेसिकली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो एनिमल के जितने भी
एनिमल से हमारे पास लिपिड्स या फैटी एसिड्स आते हैं, उनकी हमारे पास स्ट्रेट चेन्स होती हैं, यानी कि वो लंबी लंबी चेन्स के अंदर सीधी चेन्स होती हैं, जैसे हमने अभी आपको एसिटिक एसिड बताया, ऐसे हम आपको मजीद कुछ और एग्जाम्पल्स अभी थोड़ी देर तक बताते हैं, तब आपको पता चलेगा कि फैटी एसिड की जो स्ट्रेट चेन्स हैं लंबी लंबी चेन्स होती हैं, जो कि एक के साथ दूसरे के साथ तीसरे कार्बन एटम इसी तरह ज्वाइन होते हैं। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, हमारे पास प्लांट्स के जो फैटी एसिड्स आते हैं वो ब्रांच चेन्स में होते हैं। ब्रांच स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी आपको अपने अल्काइल ग्रुप्स के बता चुके हैं कि किस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर्स बनते हैं या किस तरह से रिंग्स बनते हैं। तो जो प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स हैं, प्लांट्स के हमारे पास फैटी एसिड्स हैं वो ब्रांच चेन्स में होते हैं, जबकि एनिमल के फैटी एसिड्स हमारे पास स्ट्रेट चेन्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करें, सोल्युबिलिटी, तो सोल्युबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है बेसिकली वो चेंज होती रहती है, जैसे जैसे हमारे पास फैटी एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज होते रहते हैं, और इसका ट्रेंड कुछ इस तरह से है कि जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं उतना ही ज्यादा सोल्युबिलिटी होती है, यानी हम कह सकते हैं कि द सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक चेन के अंदर जितने कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे उस चेन की या उस फैटी एसिड की जो सोल्युबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी। इसी तरह जब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका ट्रेंड भी चेंज होता रहता है, जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक चेन में ज्यादा होते हैं, यानी कि जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतने ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें, कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बता देते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इंक्रीज जो है ये कितना चेंज लेके आता है किसी भी चेन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक हमारे पास है ब्यूटायरिक एसिड, और ब्यूटायरिक एसिड में बेसिकली हमारे पास है क्या, ये एक 4 कार्बन एसिड है, और इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह का है। हमने आपको बताया कि एक साइड पे तो हमारे पास COOH होता है, उसके साथ CH2 एंड देन CH3, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया ब्यूटेरिक एसिड का। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, हमारे पास है पामिटिक एसिड है, पामिटिक एसिड जो है वो हमारे पास 16 कार्बन एसिड है, और इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। हमारे पास है COOH, देन CH2 एंड इट गोज ऑन, ये चलती रहती है चेन जब तक हमारे पास एक CH3 बॉन्ड एंड पे नहीं आ जाती। तो बेसिकली अगर हम इसके अंदर कार्बन को काउंट करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड इट गोज ऑन अंटिल कार्बन 16। तो इस तरह से हमारे पास पार्मेटिक एसिड आ गया। अब जैसे कि हमने आपको पीछे बताया कि जो ट्रेंड है वो हमारे पास चेंज होता रहता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास पामिटिक एसिड जो है वो ज्यादा सोल्युबल होगा एज कम्पेयर टू ब्यूटायरिक एसिड। इसी तरह से अगर हम मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पामिटिक एसिड का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ब्यूटायरिक एसिड। मेल्टिंग पॉइंट जो है ब्यूटायरिक एसिड का वो बेसिकली
butyric acid, and we have palmitic acid. अगर हम इन दोनों के melting points को देखें तो ब्यूटायरिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है -8 डिग्री सेल्सियस, जबकि पामेटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 63.1 डिग्री सेल्सियस. और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो जो हमारे पास कार्बन की चेन लंबी होती जाती है वैसे वैसे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता जाता है. ये जो फैटी एसिड्स हैं जिनके हम प्रॉपर्टीज को बेसिकली देख रहे हैं, इनके अंदर हमारे पास फैट्स आ जाते हैं या ऑयल्स आ जाते हैं. फैट्स और हमारे पास ऑयल्स हैं. ये फैट्स और ऑयल्स बेसिकली लाइट होते हैं वाटर से. अगर हम पानी के वेट को देखें, दे आर लाइटर देन वाटर. अगर हम पानी के वेट को देखें और हम उसके बाद फैट्स या ऑयल्स के वेट को देखें तो फैट्स और ऑयल्स हमारे पास वेट में कम होते हैं. और इनकी अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखें, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो हमारे पास 0.8 होती है. यही वजह है कि फैट्स और ऑयल जो हैं नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर या तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं या फिर सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, या फिर हम इनको कहते हैं कि जो अगर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है तो उसे हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म क्रिस्टल्स. कुछ एक्सेप्शंस के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास फैट्स हैं, एनिमल फैट्स हो जाएं या फिर प्लांट फैट्स हो जाएं, तो वो हमारे पास लिक्विड होते हैं या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं. तो ये तो हमने पढ़ लिया फैटी एसिड के टॉपिक को. और आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले तो देखा कि लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स के बारे में हमने पढ़ा. फिर हमने लिपिड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, हमने देखा कि लिपिड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. और फिर हमने उसके बाद डिफरेंट फैटी एसिड्स के ऊपर आ गए हम, और हमने फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को देखा, फैटी एसिड किस तरह से बनते हैं, उनके ऊपर क्या क्या उनपे क्या ऐसी चीज है जो कि डिफरेंट है. और फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखी फैटी एसिड की, प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, और हमने देखा कि फैटी एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसकी सोलबिलिटी, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसके अलावा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के प्रेजेंट होने से क्या फर्क पड़ता है. और उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस की, जैसे कि हमारे पास है ब्यूटायरिक एसिड, इसी तरह हमारे पास पामेटिक एसिड, ये दोनों हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं. अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को देखें तो हमारे पास आ जाता है ओलिक एसिड. ओलिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. वो अनसैचुरेटेड क्यों है, बिकॉज इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर हम ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह का होगा. ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है ओलिक एसिड का. और ओलिक एसिड में होता क्या है, ओलिक एसिड हमारे पास 18 कार्बन एटम से मिलके बनता है. और ओलिक एसिड में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि ओलिक एसिड का अगर हम कार्बन को काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. इन 18 कार्बन एटम्स में से जो 9th और 10th कार्बन एटम है, इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको एक डबल बॉन्ड नजर आएगी. और ये डबल बॉन्ड हमें ये बताती है कि ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. तो ये हमने देख लिया कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं और फैटी एसिड क्या होते हैं. अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि लिपिड्स को हम किस तरह से मजीद आगे क्लासिफाई कर सकते हैं. हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को, और डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे कि वो कौन कौन से लिपिड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और उनके हमें क्या क्या फायदे होते हैं. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर.